पुणे में मैं बड़ा भाई के पास पढ़ाई करने के लिए आए थे। तो मेरा बड़ा भाई पुणे में जो माँ का आश्रम है उसके पास भी रहते थे और मुझे माँ का बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा बड़ा भाई को भी इतना कुछ पता, मेरा पिताजी को ढाका में मालूम था, आलम में माँ ऐसा है मालूम, और कुछ कंटेक्ट नहीं थी। एनीवे मैं जब पुणे में आए है दो चार दिन बाद, वह एक महाराष्ट्रियन भाई मेरे से पहला पूछा, बोले तुम बंगाली हो? बोला हाँ। बोला आपको माँ का नाम सुना है आनंदमयी माँ? बोला इतना तो कुछ सुना नहीं। बोले सुनो, काल नहीं परसों माँ यहाँ पर आएंगे, वो बंगाली है, वो माँ का आश्रम उधर है, वो भी मुझे पता नहीं था। मैं एकदम नया पुणे में आए, हिंदी भी ठीक बोल ठीक से बोलने लगते थे, एकदम जस्ट आए थे। तो मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारा वहाँ से आश्रम के पास भी जाना पड़ता है बाई साइकिलिंग करके, हम जाते एडमिशन हो गया था मेरा। शाम को 5 बजे मैं जब रास्ता खाली था वो टाइम पर, मतलब वो आज 76 में बहुत बिल्कुल खाली था, अभी तो बहुत भर भर है। तो मैं जब आ रहा देखी बहुत गाड़ी बाड़ी बढ़ा है आओ, मैंने उधर एकदम 5 बजे मैं सुबह गया तो कुछ भी नहीं थी, तो मुझे याद आ गया वो भैया जो महाराष्ट्रियन भैया बोल रहे थे ना आनंदमयी माँ, तो मैं कभी अंदर भी आया नहीं और मुझे कुछ कुछ किसी को जानते नहीं, कैसे मैं अंदर जाऊँ? और मैं वो टाइम पर एकदम बिल्कुल इस तरह मैं गेट के अंदर साइकिल खड़ा किया, देखा खचा खच भरा है आश्रम, और मैं आपको मैं देखा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं आश्रम क्या, और मुझे डर भी लगता था क्या हम किसी को जानते नहीं कैसे अंदर जाऊँ। एनीवे मैं गेट के सामने से थोड़ा साइकिल खोला, वो गेट गेट के सामने छोटा गेट था वो टाइम पर, अभी तो बड़ा हुआ है, छोटा गेट से देखा और देख के, और माँ का टाइम पर थोड़ा एज भी हुआ था और माँ नीचे ने ऊपर में टेरेस के ऊपर माँ ऐसा खड़ा होके दर्शन देने का, सबके हाथ में फूल माला फल एकदम भरा भरा हुआ है, सब आश्रम के लोग भरा भरा है, मैं अंदर भी गए नहीं, गेट के सामने साइकिल खड़ा है इसे, इसे देख। मैंने इसे देखा देखा तो मैंने एक हाई पावर का लाइट देखा ऊपर में और मेरा पूरा बॉडी कैसे भी हो गया, मैं अंदर भी घुसा नहीं, अब मुझे घबर गया, मैं बोले क्या है ये सब चीज़, मैं साइकिल लिया और चलाया, रात भर मेरा निर्णय हुआ क्या हुआ था ऐसा क्या हो गया। तो माँ को जब देखा, माँ को वो जो माँ का जो जगह पे है उधर, वो कुछ ऐसा क्या कुछ आई कैन नॉट एक्सप्लेन नाउ, हाँ कुछ है, मैं कभी देख माँ का ठीक से देखा भी नहीं, वो देखा और मैंने चला गया, मुझे और उत्साह नहीं हुआ सब चीज़ देखने में, चला गया वो और अंदर घुसा भी नहीं, किसी को देखा भी नहीं। तो घर में जब मैं गए पढ़ाई करना था तो वही बार बार याद याद आ रहा है कि क्या है पॉसिबल, एकदम पूरा लाइट कुछ कैसे बाहर था। तो मैं घर में गया और ज्यादा दूर नहीं आश्रम से मेरा भाई का घर, सुबह में उठा वो टाइम पर दूध का दूध बटल में मिलता था कांच का बटल में, और वो भी जैसे गैस में जो पासबुक होता है ना ऐसा पासबुक होने से ही दूध देगा, और सबको दूध नहीं मिलते थे वो टाइम पर, वो हमारा बाजू में दूध का बूथ था। और ये आश्रम के एक वासुदा उनके दाम था, वो आया था माँ ही है तो उसने दूध के लिए उधर है, और दूध वाला वो भी बेंगली था, वो हमारे बाजू में रहते थे, तो उनको दूध चाहिए था, वो माँ का आश्रम तो सब दीदी लोग का है और लोग का है, तो एनीवे तो दूध चाहिए था, तो जो दूध बूथ वाला हमारा बेंगली था हमारा साथ अच्छा एक दिन में पहचान हो गया था। तो मेरा काल का वो जो एक्सपीरियंस हुआ माँ का उधर में, वो आश्रम में क्या है उधर इतना मुझे क्यों डर लगा। तो वो दूध वहाँ से आया तो मेरे को आकर बोलता है यहाँ पर दूध मिलेगा हमको, माँ का आश्रम में दूध आया है, माँ का आश्रम में बहुत से दीदी लोग का है तो दूध मिल, हमारे पास तो कोई दूध पासबुक नहीं है। तो बोला आप कहाँ से आए? तो बोलता हम माँ का आश्रम आनंदमयी आश्रम से आए। तो कल मैंने एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे मन में ठीक है मैं देखता हूँ, मैं सीधा अंदर गया, वो भाई से बोला देखो उनको दूध चाहिए, बोले दूध तो इतना नहीं है, बोला कैसे भी करके हो दूध दो हम तुम्हारा वो पासबुक कहा करें। एनीवे 4-5 बोतल दूध का व्यवस्था किया दिया, और हमको बोला
वो भाई अपने दूध दिया, हमने थोड़ा आश्रम आ लेना, आज भंडारा है। पहले तक मैंने भंडारा सुना, क्या भंडारा क्या होता है कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि बेंगाल में सब वर्ष नहीं था। तो आज भंडारा है, हाँ तो कम उम्र थे, भंडारा क्या होता है, बोले ना उधर भोजन भोजन है, खाना पीना है, आ जाना। तो मैं बोला आ जाना अभी, ठीक है, कल तो ऐसे एक्सपीरियंस हुआ पर ठीक है, मैं आऊँगा देखते। फिर मैं गया उधर, तो वो देखता वो तो भंडारा में, तो तुम जाओ उधर हेल्प करो, ये ऐसा करे तो बोला। तो बच्चा था, अच्छा लगा, वो करने लग गया, हाँ करने लग गया। तो जैसे अभी जैसे वो कुछ हेल्प करने का था, वो सब करने लग गया मैंने बर्तन करने का। तो ऐसा जब करने लगा, मुझे खुद आनंद आता है, मतलब तो वो सब काम करने में, कुछ डेकोरेशन में, वो मुझे भाई नेचुरल पता नहीं, वो करने में अच्छा लगता था। मैं किया अभी भी चालू है। तो वो दीदी वहाँ एक था, दीदी जान नंदुबेन पटेल, एक गुजराती दीदी थी, वो अभी चल गए। नंदुबेन देखा मेरे को ये सब काम करने का, तो मेरे को तो तुम्हारा नाम क्या है, मैं कैसे भी हिंदी भी बोल गया चक्रवर्ती बिप्लव। तो बोले तुम चक्रवर्ती हो ना, बोला हाँ। बोले चलो मेरा काम है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोले चलो तुमको माफ कर ले जाएगा। बोला नहीं नहीं, वहाँ ऊपर बैठे थे, बोले तुमको माफ कर लेके जाएंगे। तो बोलते आओ, तुम्हें ठंडी का टाइम थे और वहाँ टेरिस के ऊपर पकड़ के लेके गया हूँ। तो वहाँ यदि नए नए आदमी पूजा में आए हैं बड़े भाई के पास, तो उसका नाम चक्रवर्ती है। और माँ वो टाइम पर ऊपर में अकेला आराम से बैठे, धूप खाने के टैल लगा के बैठे थे। वो दीदी माँ पकड़ पकड़ के लेके गए, मैं कुछ बोल नहीं पाए, तो माँ के पास छोड़ दिया, और कोई नहीं थे। मैं टेरेस में माँ ऐसा ही धूप खा रहे थे, तो माँ बंगाली में बोलने लगा कि नाम तुम्हार कथा थे ये सब कथा এখানে কে আছে তোমার সব সব যেমন মা বলে অনেক কল্পনা মা কই ছিল মা একদম ফাঁকা একদম হালকা বেঙ্গলি মে বল রা সবকে সময় মে আ রা না তো মানে কাহা মেরা তো উমর উমর তো 6 টু 16 15 16 17 সাল কে থে মে তো জগনপুর ভি তো হ্যাঁ পৈতা পৈতা হুয়া হ্যাঁ পৈতা বলতা হম লোক জগনপুর ভি তো হ্যাঁ তোমরা নেই হুয়া আরে ইতনা বড়া হো গিয়া তুম জগনপুর ভি নেই হুয়া। तो मैंने बोला मतलब सात भाई बाप पिताजी बोल रहे थे जे पूना में से जब तुम गांव में आ जाओगे हो जाएगा, तो ठीक है तुम्हारे पिताजी को लिख दो, तब तो फोन नहीं थे, टेलीग्राम कर दो, ये शरीर और 15-1 महीना इधर है, तुम्हारा जाने जगने पर भी हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा। मुझे कुछ पता नहीं है, और मेरा बड़ा भाई तो ट्रांसफर हुआ नहीं, थोड़ा काम के लिए हैदराबाद चला गया, तो मैं अकेला था उधर। मेरा बड़ा भाई का कुछ ऑफिस का काम के लिए जाना पड़ा, तो मैं पेन गेस्ट में था, मैं सब बोला वैसे ऐसे ऐसा था, अगर घर तो कोई है नहीं है। तो बोले नहीं नहीं तुम पिताजी को लिख दो। और मैं माँ को बहुत कुछ बातचीत पूछा था, आपके कितना भाई है, क्या है क्या है क्या है, सब कुछ पूछा है, सब कुछ जाना सुनकर। फिर मैंने पिताजी को लिखा और ये किया टेलीग्राम किया, तो माँ ऐसा माँ ऐसा माँ बोलते जन्म जो जुग्न पवित्र करने के लिए पूजा करने के लिए। तो पिताजी बोलते हैं अरे हम लोग जगनू तो हमारे उस टाइम पर खूब विशाल मैटर था, मतलब बड़े तो धूमधाम से होते तीन तीन दिन, ऐसा तो कैसे कोई है नहीं, तुम्हारा उधर अकेला होगा तुम कैसे हो सकता, और ऐसा ऐसा पिताजी माता जी तुम्हारा कोई नहीं, तुम अकेला अकेला उधर हो ऐसा कैसे होगा ऐसा। माँ ने फिर पिताजी ने थोड़ा से लिख के भेजा है, तो मैंने बोला ऐसा बात जब माँ बोला ठीक है पिताजी जैसे बोला ऐसे ही होगा। फिर दूसरे दिन पिताजी को वापस टेलीग्राम आया, अगर माँ तुमको बोला होगा तो हम लोग तुम्हारा माने मेरा मामी का मत है तुम कर लो। दूसरे दिन वापस टेलीग्राम, फिर दूसरे दिन टेलीग्राम, हम लोग आए उधर रोज ही भंडारा होता तो मैं आते थे, तो टेलीग्राम लेकर आता था। माँ वाले भास्करन जी था, सुनो समझ सुनो भाई, उनके पिताजी बोले जगन को धोखे यहाँ कर दो अभी के अभी, और खर्चा तुम सब करना, इसको इसको कोई नहीं रहे तुम सब कर देना। भास्कर ठीक है, भास्कर दाम को बुलाया, जब तुम भास्कर दाम भी वहाँ आया था, मतलब मुझे तो कुछ यहाँ कुछ भी पता नहीं है क्या है क्या नहीं। तो भास्कर ठीक है हम सब व्यवस्था करता है, उन्होंने सबको बुलाया, कौन कोई मेरा जानू कोई जगह भी देगा, सब कुछ कराया। माँ के घर में माँ ऊपर में रहती थी, उसके बाजू में एक छोटा सा घर है, तो मेरे को बोला तुम यहाँ रहना और तीन दिन सूर्य नहीं देखना और बाहर नहीं निकलने को देना। और उदास जी को बोला कि इसको जो कुछ है तुम दे देना, फल बिल बिल लगता है ना
खाना बनाओ, तो तुम अंदर नहीं जाना, सब कुछ बोल दिया। एनीवे तीन दिन तो माँ के पास में हम था अंधेरी में रूम के अंदर, वो सब जानी बनी हो गया। इतनी जानवेज होने के बाद फिर माँ के पास पहला शिक्षा होता है ना हम लोगों को। हमारा एक बंगाली था, मेरा बड़े भाई का दोस्त था, वो भी बनर्जी थे। तो जब सुना मेरा बड़ा भाई यहाँ गाना है, हैदराबाद चला गया, तो बोला हम तुम्हारा बड़ा भाई है, मैं तुम्हारा, वो भी माँ की भक्ति थे, मानी बनर्जी बोल के थे। माँ को बोला माँ मैं उनको सब कुछ दे देंगे, तो उसने उन्होंने सब कुछ किया। और भिक्षा के लिए माँ के पास गया, माँ ने भिक्षा दिया, गीता दिया, गीता पढ़ना पसंद कर, तो बोला फिर जाते टाइम माँ यहाँ पुना से चले जाएंगे, अभी हमारा हो गया जाने वाने सब हो गया। तो माँ पुना से यहाँ से कहाँ गए थे, वापस पुना होके जाएंगी माँ। तो हम लोग ने, मैं माँ के पास जब हम जाने आने गए था, तो माँ क्या बोले, वहाँ का सेक्रेटरी शर्मा जी थे कोई, उसने बोला उसको बुलाओ शर्मा जी को, और बोले ये लड़का आप इसे आश्रम रहेंगे, और हम तो कुछ नहीं बोला, हमारा तो चल रहा है ये रहेगा। और मैंने बोला नहीं मैं तो नौकरी करेंगे ऐसे, ये है मुझे मालूम है आश्रम में सर साधु लाने, तो मैं मालूम नहीं नहीं तुम यहाँ रहोगे सर्विस करो, यहाँ रहोगे लेकिन यहाँ का जो नियम उतना पालो, तुम सर्विस करना यहाँ रहना। और वहाँ से कहते ने बोल दिया, तो हमने बोला मैं मेरा तो सब व्यवस्था है, नहीं 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 तुमको माँ ने बोला है रहने के लिए तुम ही रहे। तो वो जो माँ ने हमको रखा अभी तक छोड़ा नहीं, मैं अभी कान से छोड़ने वाला थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है ये।